राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों द्वारा शनिवार को डाक बंगले में चौधरी चरण सिंह की 115वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर दल द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान उपस्थित लोगों ने चौधरी चरण सिंह के जीवन संघर्षों पर चर्चा कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संगोष्ठी से पूर्व दल के सदस्यों ने डाक बंगले स्थित चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश सिंह सैथवार, महामंत्री नरेंद्र श्रीवास्तव, रजनीकांत मिश्रा, रामकिशन, अनिल पांडे, राकेश गुप्ता, नरेश्वर तिवारी सहित कई अन्य मौजूद रहे। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया, चौधरी साहब अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा। निकाल दे महाराज, चलिए संत पात्र या फिर जूता जरूर निकाल दीजिए। संत हो क्या संत, गुलाब वाला फूल आप चढ़ा दीजिए। अरे चली जाए और चलते रहे है कि नहीं, छिड़क दिया भैया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 115वीं जयंती तिथि मनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है, हर जिले में मनाई जा रही है। स्वर्गीय चौधरी साहब एक ईमानदार प्रधानमंत्री देश को जो दे गए, अभी तक कोई प्रधानमंत्री वो चीज़ नहीं दे पाया। उन्हीं की याद में राष्ट्रीय लोकदल आज उनके जन्मदिवस समारोह मना रहा है।